में आ गई। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज पेलोड ऑफ बलून। क्या है ये? पेलोड ऑफ बलून। कैसे देखेंगे पेलोड ऑफ बलून, देखें जरा। सो पेलोड का मतलब ये है कि बलून हाइट और प्रेशर का रिलेशनशिप। पेलोड ऑफ अ बलून इज डिफाइंड एज मैक्सिमम वेट विच अ बलून कैन कैरी विथ इट अपवर्ड डायरेक्शन। भाई ये बलून है, ठीक है, ये बलून है, ठीक है। अब ये कितना वेट लेके जा सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना वेट अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकता है? दैट एंटायर प्रोसेस इज नोन एज पेलोड ऑफ बलून। क्या है ये? पेलोड ऑफ बलून, ठीक है, पेलोड ऑफ बलून, ठीक है, ये कहानी है पेलोड ऑफ बलून की। तो अब यहां देखते हैं वी क्या है यहां पे। अब ये देखो बलून है, तो ऑब्वियसली इस बलून के पास कुछ ना कुछ अमाउंट में वॉल्यूम है। कितना बड़ा वॉल्यूम है बलून, कितना बड़ा है? फिर हम बात करते हैं डी आउट की, डेंसिटी ऑफ आउटसाइड एयर, ठीक है। अब यहां पे ये जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग बोल लो या एटमॉस्फेयर बोल लो, तो यहां पर ये जो डेंसिटी है इट इज नोन एज आउटसाइड, और इसके पास कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी क्योंकि अंदर का सिस्टम है ना, दिस इज माय सिस्टम, ठीक है। तो यहां डेंसिटी क्या है? इन। तो डी इन क्या है बेटा? डेंसिटी गैस इनसाइड। अब इसमें कोई ना कोई गैस अवेलेबल है, लाइक गैस इज ए, गैस ए अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करेंगे गैस ए के जो एंटायर सिस्टम है, सिस्टम का जो पूरा का पूरा मास है उसकी हम बात कर रहे हैं, मास ऑफ बलून, समझ गए आप? सराउंडिंग की डेंसिटी ये रही, ठीक है, इनसाइड डेंसिटी आपके बलून की केस। तो अब आपसे कह रहे हैं कि कितना वेट लेके ऊपर जा सकता है, दैट इज नोन एज पेलोड ऑफ बलून, दैट इज नोन एज पेलोड ऑफ बलून, ठीक है। आगे की कहानी ये हो गई कहानी। तो अब पेलोड कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आपको शायद स्टार्टिंग में एक चीज तो क्लियर थी ना, P इज इक्वल टू वॉट एट इंटू एच इंटू डी इंटू जी, ये चीज क्लियर थी स्टार्टिंग में ही जब चैप्टर स्टार्ट किया था। तो अब यहां पे पेलोड के बारे में सोचें जरा, ठीक है। डी आउट मतलब सराउंडिंग की डेंसिटी इंटू वी इंटू जी माइनस डी इनसाइड मतलब बलून के अंदर डेंसिटी, किसकी डेंसिटी? जो गैस फिल है उसकी, इंटू वी इंटू जी प्लस एम जी। क्यों? क्योंकि जब बलून ऊपर उठ रहा है ऑब्वियसली एक फोर्स नीचे भी लग रही है बलून के, ऊपर ले जा रहा है तो नीचे भी लग रही है ना, एम जी लग रही होगी ना, कॉमन सेंस। तो ये जो आपको दिखाया गया है यहां पे, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को पता है क्या कह रहे हैं? दैट इज बेयोंस फोर्स। और ये क्या है? ये है इफेक्टिव वेट ऑफ बलून, जो बलून पे लग रहा है, जो ये महसूस कर रहा है, इफेक्टिव वेट ऑफ बलून, ठीक है। इफेक्टिव वेट ऑफ बलून में एम जी भी लग रहा है, जो गैस अंदर है उसकी डेंसिटी भी है, ठीक है, जो गैस है अंदर उसकी डेंसिटी भी है और वॉल्यूम भी है, सब है भाई। बायोंस फोर्स ऊपर लग रही है और इफेक्टिव वेट ऑफ बलून नीचे की तरफ लग रहा है, ये बिल्कुल सेम फिजिक्स के लॉ की तरह है, फिजिक्स के लॉ की तरह है, ठीक है। ओके गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेलोड ऑफ बलून का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि बलून किस हाइट तक जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, हमें उसके बारे में एनालिसिस करनी है। ओके, सो मैक्सिमम हाइट एट विच बलून विल बर्स्ट,
यानी कि बलून यहां से यहां तक पहुंचने में, ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट तक जाके जब ब्लास्ट हो जाएगा, वहां का मेजरमेंट हमें देखना है, ठीक है। सो गाइस, ऑलरेडी यहां पर एक डेरिवेशन के अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि किस हाइट तक जाकर, किस मैक्सिमम हाइट तक जाकर बलून फट जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने ये ऑब्जर्व भी किया है कि जैसे जैसे आपका बलून, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हॉट एयर बलून ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। आप लोगों ने देखा होगा हॉट एयर बलून क्या होता है, एक बहुत बड़ा बलून होता है, छोटी सी बास्केट होती है, उसमें इंसानों को बिठा के ट्रैवल की कराया जाता, घुमाया फिराया जाता। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो रेफरेंस पर्पस से। तो अगर मैं बात करूं यहां पर मैक्सिमम हाइट की, तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा आपका। आपके वॉल्यूम मैक्सिमम का पैरामीटर ऑलरेडी डिसाइड है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया था। तो जब आपका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, दैट मींस गाइस व्हाट, वी नॉट ई की पावर एम जी एच, वेयर एम जी एच इज ऑल्सो मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आर टी। आपका एम जी एच भी मैक्सिमम है, ठीक है। एक्सट्रीम सिचुएशंस अवेलेबल, एक्सट्रीम पोजीशंस। तो अगर मैं वी नॉट को देखिए जरा, अब लिखने का तरीका बदल रहा है और कुछ भी नहीं बदल रहा है, एक पैरामीटर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बस, कि वी नॉट को नीचे लेके आए, इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। देन गाइस फिर हम लोगों ने क्या लिया, लॉग, ठीक है। तो लॉग को अगर मैं ऐसे लिखूं एलएन की फॉर्म में, कैसे लिखेंगे मेरे भाई, एलएन इन, ठीक है, एलएन वी मैक्स अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू एम जी एच एम एक्स अपॉन आर टी, क्योंकि यहां ई लगा हुआ है ना, तो ई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एलएन से। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको एंटायर सेगमेंट देखना पड़ेगा जहां पर आपकी मैक्सिमम हाइट आएगी आर टी बाय एम जी, आर टी बाय एम जी एल एन बी मैक्स बाय बी नॉट, यानी कि आप इसको निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। किसको निकालना चाह रहे हैं, इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, भेजिए इधर उधर, ठीक है। तो ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, दैट इज आर टी बाय एम जी, ठीक है, एल एन वी मैक्स बाय वी नॉट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट वेयर योर बलून विल बर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन में आर और टी की वैल्यू आपको पता ही होंगी, एम जी की वैल्यू भी आपको पता होगी। बात करते हैं वी मैक्स की, तो वी मैक्स कैसे निकालेंगे आप, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। और अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं निकालेंगे तो आपको कम से कम बता दिया जाएगा कि ये रही मैक्सिमम वॉल्यूम, वी नॉट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो गाइस दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट हाइट वेयर बलून विल बर्स्ट, ठीक है, एंड दैट हाइट विल बी योर मैक्सिमम पोजिशन, वो आपकी हाइट मैक्सिमम पे होगी। सो अब हम लोग यहां आगे की बात करने जा रहे हैं, क्या, कैलकुलेशन ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इन रिएक्शन। जस्ट सपोज के कोई रिएक्शन का मिक्सचर है, जस्ट सपोज के एक गैस ए बी से मिक्स हो रही है, बना क्या रही है, गैस ए बी का कोई मिक्सचर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में किसी मिक्सचर की, रिएक्शन में किसी मिक्सचर की वेपर डेंसिटी की कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं हम लोग, कैसे करेंगे आइए जरा देख लेते हैं। तो आने दीजिए, मैदान में आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए कि ये एक्चुअली है क्या। इट इज गिवन दैट इनिशियली ओनली रिएक्टेंट ए इज प्रेजेंट। सबसे पहले ये माना गया है कि आपका रिएक्टेंट ए अवेलेबल था, किसके साथ, विथ वेपर डेंसिटी डी। तो रिएक्टेंट जो ए है, इस रिएक्टेंट ए की वेपर डेंसिटी आपको दे दी गई है कितनी, लेट इट बी डी, ठीक है, कैपिटल डी लिख लेते हैं, चलो जैसा कि आपको कंसेप्ट में दिखाया गया, लेट इट बी डी, ओके। सो इट हैज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज योर अल्फा, एंड फाइनल वेपर डेंसिटी इज डी। तो आपको सारी चीजें दी गई हैं, यानी कि इसी रिएक्टेंट ए की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी है, दैट इज योर अल्फा, और इसी के साथ साथ आपको एक और डेटा कहा जा रहा है, इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के साथ फाइनल वेपर डेंसिटी, यानी कि अगर मैं बात करूं वेपर डेंसिटी फाइनल, दैट इज योर स्मॉल डी, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या सीन हम लोग देख पाएंगे।
डिसोसिएशन से पहले की कहानी और डिसोसिएशन के बाद की कहानी देखेंगे। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास इनिशियली रिएक्टेंट अवेलेबल था ए, उस ए रिएक्टेंट के हमारे पास कुछ मोल्स थे, दैट इज एन। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? और रिएक्शन के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू एन बी। ठीक है, सो मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, यानी कि रिएक्टेंट ए के डिसोसिएशन से पहले रिएक्टेंट ए के मोल्स कितने थे? 1। बी बना ही नहीं, डिसोसिएशन से पहले की कहानी है, डी बना ही नहीं, तो मोल्स कॉमन सेंस 0। बट आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स देखे जाए तो ए के कितने होंगे? 1 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि बी क्रिएट हो चुका है और बी के मोल्स हमारे पास अगर एन अल्फा है, बी के मोल्स अगर हमारे पास एन अल्फा है तो कॉमन सेंस की बात है ए के मोल्स कितने होंगे? 1 माइनस अल्फा, कॉमन सेंस। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? भाई 1 प्लस 1 माइनस 1 होल अल्फा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये कैसे किया, मैं बताता हूं। मैं कह रहा हूं टोटल मोल्स निकालो, तो भैया 1 प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये टोटल मोल्स हो गए। अब वो जीरो को लिखने की क्या जरूरत है, वो तो है ही नहीं काम का। तो इसे और अच्छे से कैसे लिखा जा रहा है भाई, इसे आपको कैसे दिखाया जा रहा है? आप कहोगे सर 1 प्लस 1 2 कर दो, अरे मैं रुक जाओ मेरे भाई, कर दूंगा मैं। ठीक है, कर दूंगा मैं। मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर इसी चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, 1 as it is लिख दो तुम। ठीक है, एन माइनस वन की कहानी हो गई, अल्फा ये हो गया, तो ये क्या है? दिस इज योर एन अल्फा, दिस इज योर अल्फा, हाय आना। तो टोटल मोल्स आपको कैसे दिखाने हैं आफ्टर डिसोसिएशन? तो आप यहां पे इसको हटा लीजिए, फिर ये काम का नहीं है अब हमारे, इतना इतना काम का है। ये कब है? आफ्टर डिसोसिएशन वाली कहानी है, आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स क्या है बेटा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, दैट मींस व्हाट? 1 प्लस होल एन माइनस 1 इनटू अल्फा। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल्स आर हेयर। नाउ कम टू मैदान। सो सिंस अब हम जानते हैं, वी नो दैट मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट गाइस? मॉलिक्यूलर वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस में? हम जानते हैं वैन डर वाल फोर्स के। बट अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट यहां पे दिखाया गया है वेपर डेंसिटी के लिए, तो मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट। अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं और आगे के रिलेशन की। सो हम इसे यह भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और अच्छे से कैसे? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। ये तीन रिलेशनशिप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, तीनों रिलेशनशिप याद रखने हैं। अब उन तीनों रिलेशनशिप के करस्पॉन्डिंग मैं बोल सकता हूं कि भैया नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट का जो रेशियो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, सो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास अवेलेबल है मास नॉर्मल और मास एक्सपेरिमेंटल, सो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन ये कितना था बेटा? ये था आपका 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, तो ए क्या था आपके डिसोसिएशन से पहले जब बी बना ही नहीं था, तो ये क्या मान सकता हूं मैं इसको? 1 only मान सकता हूं, लिखा हुआ है। सो अब एंटायर कंक्लूजन क्या है? एंटायर कंक्लूजन इस तरीके से आपको बताया गया है कि जो पी नॉर्मल है और पी एक्सपेरिमेंटल का रेशियो कैसे दिखाएंगे हम इसे? डी नॉर्मल डिवाइडेड बाय डी एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि प्रेशर जो है प्रोपोर्शनल किसके? डेंसिटी के। और कैसे दिखाएंगे? एम नॉर्मल अपॉन एम एक्सपेरिमेंटल, दैट मींस व्हाट गाइस? टोटल मोल्स की एंटायर कहानी रिप्रेजेंट कर रही है इन सबको, इसको भी,
इसको भी और इसको भी, समझ में आ गई मेरी बात?